एना रोटी खा रही है आपके साथ भाई साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह, एना के भी सुबह सुबह ही ऑयल लगा दिए और यहाँ पे एना नाश्ता कर रही है। इब्राहिम आपको नाश्ता नहीं करने दे रही। आराम से आराम से। क्या हो गया क्या हो गया? स्पाइसी लग रहा है। रोटी खा लो, रोटी खाओ ना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहा एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। मामा के घर का ना मुझे ये वाला व्यू आजकल इतना अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि पीछे से जो एकदम से गाड़ियाँ गुजरती हैं ना, एकदम से शर शर की आवाज़ें आती हैं, ये ना मुझे पता नहीं कि वो आजकल इतनी अच्छी लगती है। इसलिए मैंने सोचा कि आज का व्लॉग ना मैं यहाँ से खड़े होकर स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे एक कमेंट मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। इनका कमेंट पढ़ के ना मुझे इतना अच्छा लगा, इनको मुझसे मोटिवेशन मिलती है। लेकिन आप लोग ये भी तो देखें ना, मुझे किस चीज़ से मोटिवेशन मिलती है? मुझे आप लोगों के इस तरह के कमेंट से इतनी मोटिवेशन मिलती है। इसीलिए मेरा दिल करता है कि मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊं कि आप लोगों का भी दिल खुश हो, और फिर आप लोगों का दिल खुश होगा तभी आप लोग अच्छे कमेंट करेंगे, अच्छे कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो ये साइकिल ना ऐसे रिपीट 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 होता है। अभी देखिए गाड़ी गुजर रही है। इसलिए मैं चुप हो गई, मैं पहले गाड़ी गुजर रही है फिर मैं बात करती हूँ। मुझे ना एक और कमेंट भी आया था कि आप ना अपने घर की सफाई वगैरह किस तरह करती हैं, कैसे इस घर को मेंटेन रखती हैं। तो जिस तरह आप लोग अपने घर को साफ रखते हैं, उसी तरह मैं भी अपने घर को साफ रखती हूँ। कोई हमने कोई लोग नहीं हमने हायर किए हुए कि भाई कुछ लोग आएंगे वो सफाई करेंगे। डीप क्लीनिंग जब करनी होती है वो हम 6 से 7 महीने के बाद करते हैं, और जो रेगुलर वाली सफाई होती है जिस तरह मोपिंग या झाड़ू वगैरह लगाना या वैक्यूम करना, तो वो हम रेगुलर बेस पे जिस तरह आप लोग करते हैं वैसे ही हम करते हैं। हाँ ये होता है किचन में रेगुलर साफ रखती हूँ मैं, दिन में ना 1 से 2 दफ़ा वैक्यूम कर लेती हूँ। तो खुद भी अच्छा लगता है कि जब साफ साफ हर चीज़ होती है तो इस तरह घर वालों को भी अच्छा लगता है। इसके अलावा जैसा वॉशरूम है तो उसको साफ करने के लिए हफ्ते में 1 दफ़ा जो वॉशरूम है वो अच्छे से डीप क्लीन कर लेती हूँ। तो कुछ काम हमने ऐसे बांटे भी होते हैं। अब बाकियों के काम मैं आप लोगों को नहीं दिखाती क्योंकि मेरे बाकी के घर वाले नहीं आते सामने, इसलिए मैं आपको ज़्यादा वही दिखाती हूँ जो चीज़ मैं कर रही होती हूँ। और गार्डनिंग का आपको पता है कि मेरे इन लॉज में भी इतना शौक है और मेरी मामा की साइड पर भी शौक है। तो गार्डनिंग तो करने को ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, गार्डनिंग करने के लिए शौक चाहिए होता है। जब शौक होता है ना तो वो शौक शौक में चीज़ और अच्छी फलती फूलती है। तो इसी तरह हम अपने घर की सफाई रखते हैं। मैंने पॉपसिकल खा रही है आप पियर भाई के साथ, सुबह सुबह नाश्ते के फौरन बाद ही पॉपसिकल। लो जी वो कह रही मैंने इधर बैठना है ना, यमी है। बाय बाय बाय। ये तीनों बच्चे कैसे बैठे हुए हैं ऊपर? ये भून के मामा लेके आ चुकी हैं और इसके ऊपर से इसका जो छिलका था वो भी उतार दिया है। अभी गर्मा गर्म है, अब इसका मामा बस मसाला बना लेना, थोड़ा सा हल्का फुल्का मसाला बनाएंगे और फिर रोटी खाएंगे। यहाँ पे मामा ने बना लिया है बैंगन का भरता, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है माशाल्लाह। घर की सब्जी की तो बात ही अलग होती है। तो ये देखें जो लड़के होते हैं ना वो इतने शरारती होते हैं। वो इब्राहिम देखें कहाँ चढ़ के बैठा हुआ है, और इसने ऐना को भी बैठा लेता है और हिबा भी बैठ जाती है। लेकिन मुझे लगता है जो बच्चियाँ होती हैं ना वो कम शरारती होती हैं। हिबा जब छोटी थी ना ये भी इतनी शरारती नहीं करती थी, ऐना करती है लेकिन उस तरह से नहीं करती। लेकिन ये देखें ज़रा। आप लोग बताएं कि ऐसा होता है कि जो लड़के होते हैं वो थोड़े से ना ऐसे थोड़े ज़्यादा शरारती और हाइपर एक्टिव होते हैं? लड़कियाँ बिल्कुल नहीं। लड़कियाँ बिल्कुल नहीं। हिबा आपने अपनी मामा को मिस किया? थोड़ा सा, पर आप सभी हमने बहुत इंजॉय किया। कल आ रही हैं आपकी मामा और मामू भी आ रहे हैं। इब्राहिम ये कोई आराम करने की जगह है? शुरू शुरू में इब्राहिम ना थोड़ा सा शाय होता था मेरे साथ, लेकिन अब तो देखें मम्मा गई हैं तो बिल्कुल ही खाला के साथ फ्री हो गया बच्चे। कल मम्मी डाम आ रही है। कल मम्मी आ जाएंगी? मम्मी आ रही है। तो यहाँ पे 10-10 गोलगप्पे मेरे हिबा के और इब्राहिम के मैंने ऐसे डाले हैं और फिल करके रख दिए हैं। बच्चों ने कहा है कि हमने करना है चैलेंज गोलगप्पों का, तो अभी देखते हैं कि कौन जीतता है। अभी नमाज वगैरह पढ़ ली है और हम जा रहे हैं बच्चों को लेके करीब के पार्क में, फिर हम वापस आके खाना खाएंगे। ऐसे अभी फ्री बैठे हुए थे, मामा ने कहा चलो ना हम ऐसे बच्चों को लेके पार्क चलते हैं। नानो का हाथ पकड़ना है। ओए नानो का हाथ पकड़ना है। ओए 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 ओए
ओए नाना को भगा रही है। इब्राहिम आराम से गिरना जाए। पहले ही उसके गिर के ना थोड़े से उसके घुटने भी छिले पड़े हैं। उखड़े पैरों से भागती ना उसको ऐसे इब्राहिम का पीछे। क्या मामा क्या देख रही? ये क्या लगा हुआ है? ऐसे छोटी जैसे नहीं वो बेरीज जैसी कोई चीज लगी हुई है। एप्पल ऐसे छोटे वो ऐसे नहीं होते। ये कौन सा कोई खाने वाली कोई चीज है? ओए होए हिबा ऊंची एनर हो रही है कि भाई मैंने भी इतनी ऊंची लेनी है। ओए होए बहन ध्यान से। मामा वहां बैठी हुई है, फोन यूज कर रही है और मैं इधर बच्चों के साथ हूँ। यहाँ से आ रहा है इब्राहिम। इब्राहिम आ जाओ उल्टा। हाय हाय इतनी स्लिपरी नहीं है ना? स्लिप थोड़ी है। हाँ स्लिप कम हो रही है। एक और भी बच्चा यहाँ पे आया हुआ है अपनी फैमिली के साथ। जब इस तरह बच्चे अकेले होते हैं ना और दूसरे बच्चों को देखते हैं तो इनको भी कंपनी मिल जाती है। लो जी दोनों डरते दोनों आपस में लड़ते हैं कि है ना मेरे साथ आएगी। इब्राहिम कहते हैं ना मेरे साथ आएगी। इब्राहिम आप आ जाओ। ओए होरे ये देखिए इब्राहिम ध्यान से। चलो आ लेने दो उसके साथ। ओए बिस्मिल्लाह ध्यान से आ जाओ। कोई बात नहीं इब्राहिम ध्यान से। ओ ये कोई बात नहीं आपके साथ। चलो आराम से आप ही के साथ। ये आराम से। इब्राहिम बटरफ्लाई बन के उड़ रहा है। चलो इब्राहिम। ओए होए ऐना चीखे मार रही है। उड़ने लगे हो जी। चलो अब मैं स्काई डाइविंग करने लगा हूँ। ना जो है वो मामा की गोदी में है। ये जो ग्रास काटते हैं ना ऐना को ना इनकी आवाज़ बड़ी ऐसे ऊंची लगती है तो डर जाती है। बच्चों को नाश्ता करवा दिया है तकरीबन और मैंने भी नाश्ता करना है। ये है मेरा मज़ेदार सा नाश्ता। पराठा है, ऑमलेट बनाया है और ये मामा के हाथ का अचार है गाजर का और आम का और साथ यहाँ पे है मेरी टी बैग्स वाली एवरीडे की चाय स्ट्रॉन्ग सी और साथ यहाँ पे मैं देख रही हूँ ड्रामा। अभी मैं यहाँ पे आई हूँ 7-Eleven और इधर से मैंने थोड़ा सा ना ये डलवाया है। यहाँ पे सारे काम खुद करने पड़ते हैं। वो बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं एक्चुअली किसी काम से आई थी, काम मेरा हो चुका है, अब घर चलते हैं। बस मैं भी घर पहुंच चुकी हूँ और बच्चों के लिए ना आते आते वहाँ से स्टेशन से मैंने ऐसे बच्चों के लिए लॉलीपॉप भी ले लिए हैं। ऐसे होता है ना कि जब आप कहीं जाते हैं तो आपको होता है कि चलो बच्चों के लिए आप कुछ ना कुछ ले लें तो बच्चे लॉलीपॉप से खुश हो जाएंगे। अंदर चलती हूँ, कोई मुझे बहुत ज़रूरी काम था इसलिए मैं गई थी। मेरे बाल देखे ऐसे उजड़े हुए हैं तो मैं थोड़ा सा फ्रेश भी होती हूँ जाके। अब ये मैंने क्या ना ग्लासेस लेके आई हूँ। ये हैं पोलराइज्ड ग्लासेस, वाइट कलर के अभी लग रहे हैं लेकिन जैसे ही हम इसको धूप में लेके जाएंगे तो ये जो है अपना कलर चेंज कर लेंगे और ये वाइट से हो जाएंगे पर्पल कलर के। एक था पिंक कलर और एक था ब्लू कलर। मैंने कहा चलो पर्पल ले लेती हूँ, पिंक बहुत ग्लासेस हैं ना के पास। अच्छा है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर का नहीं हुआ लेकिन पर्पल हो गया है।
अभी शाम के 4:30 हो गए हैं, खाना खाया है, मामा ने थोड़ी सी करनी है ग्रोसरी, मामा ने कहा कि चलो ना हम चलते हैं वॉलमार्ट, तो मैं मामा के साथ वॉलमार्ट जा रही हूँ, बच्चे कह रहे हैं कि हमने भी साथ चलना है, इनको भी साथ लेके जा रहे हैं, ये जी। हम कहाँ जा रहे हैं? वॉलमार्ट। वॉलमार्ट ये हम जा रहे हैं, वॉलमार्ट वॉलमार्ट, और आप लोग हमारे साथ चल रहे हैं, तो चलते हैं। मामा को मैंने उधर मेन जो गेट है ना वहाँ उतार दिया था, मैंने कहा आप लोग चले, मैं ना कार पार्क करके आती हूँ, क्योंकि जब बच्चे साथ होते हैं ना उधर से गाड़ी आती है, फटाफट गुजरो, तो पैदल चलने वालों को बहुत रास्ता देते हैं ये। तो चले अब जल्दी से ग्रोसरी करते हैं। ओए माशाल्लाह। ओए ओए ओए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ऐना को भी देते हैं, ऐना के भी कॉइन्स डालते हैं, ऐना ने भी जो ले लेने थे नहीं आया। ओहो चलो हाँ जी, ऐना कह रही है कि मुझे भी कुछ दे दो, अब ऐना के यहाँ पे कॉइन्स डालेंगे और फिर थोड़ा सा ऐना को भी देते हैं। किसी के घर में कोई की अगर गुम गई है और उन्होंने कोई डुप्लीकेट की बनवानी है ना, तो इस तरह की जो कीज के जो साइजेस हैं, ये वाली की आराम से बन जाएगी। ये देखिए मिनट की, मतलब कि एक मिनट में आपकी की जो है वो रेडी हो जाएगी। कितनी अच्छी चीज है ना। जो है वो डन हो चुकी है और यहाँ से बस हम बिल करवाने लगे हैं, बच्चे तरफ ना देख रहे हैं, रश भी ठीक है, इतना ज़्यादा रश नहीं है। सारी ग्रोसरी जो है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुकी है। अभी देखें शाम का 6:30 हो गया है और अभी भी दिन कितना निकला हुआ है, धूप कितनी निकली हुई है। माशाल्लाह योगर्ट के अंदर मैंने इसको ग्रेप्स डाल के दिए हैं। अभी हो गए हैं रात के 8:30 हो चुके हैं, अबू बकर सामा और इकरा अभी तक नहीं पहुँचे, वैसे वो मैरीलैंड में एंटर हो चुके हैं, पहुँचते पहुँचते उनको 10 बज जाएंगे। मैं वैसे मौसम देखने के लिए आई थी क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इतना शदीद मौसम ख़राब था, बारिश हो रही थी और अब एकदम से ना खामोशी हो गई है और बिल्कुल भी बारिश नहीं है। देखिए पीछे कितने ऐसे ना चुप चुप सी रोड हो गई है। आ गए मामू, बच्चे इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके अपनी मामा का, और ये जी आ गए हैं। ऐना ध्यान से, ऐना ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ऐना भी है। ये मामू आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, ऐना ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। बच्चे तो उधर ही, बच्चों ने रोक लिया, अभी थके हारे आए हैं। अस्सलामु अलैकुम। इब्राहिम भाग के मम्मा को छोड़ के मामू से, मामू से मिलने चला गया। ओए ओए ओए। क्या बोला? गिफ्ट क्या है हमारे? ऐना भाग के भी। हाँ भागते भी आई है माशाल्लाह। चलो जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसा रहा सफर? चलो बेटा। कब से हम इंतजार कर रहे थे? मैं भी, हम लोग तो थके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हाँ जी भाई अस्सलाम वालेकुम। चलो ऐना तो बिल्कुल लेट ही गई है। और उसको पता है कि कहाँ पे उसने उतरना ना, सीढ़ी का सारा आराम से उतर के फटाफट गई है, मैं उस ध्यान था। हाँ माशाल्लाह। चलो जी खैर खैरियत से ये लोग पहुँच गए हैं, मैं ये बैग गिर गया, मैं उठा लेती हूँ, मैं उठा लेती हूँ, मैं उठा लेती हूँ। चलो फुल अंधेरा हो चुका है, आते आते इनको 10 ही बज गए हैं, फुल अंधेरा है। ये जो थोड़ी बहुत आपको रोशनी नज़र आ रही है ना, ये मेरे कैमरे की वजह से जो वाइट कंट्रास्ट इसका ऑन हुआ है।
मामा से मिल रहे हैं। चलो ना तो बिल्कुल ही बच्चे तो शुरू हो गया ऐसे मामू में कट्टी कट्टी खा के आई है। मामू मामू माशाल्लाह माशाल्लाह भागी आवाजें दे देगी इनको। ओ मामू जी ओए मामू जी ओ इब्राहिम भी वो चल रहा अब खाला की बारी खाला होती है। मुझे नहीं मिला और सीधा सामान दोनों एक रश शिकायत लगा रही है कि इब्राहिम मुझे नहीं मिला। तो जी माशाल्लाह से और खैर खैरियत से अब अगर सामा और इकरा घर वापस आ चुके हुए हैं और अब मैं इन लोगों के साथ इनकी सारी जो इनकी पीछे की कहानी है वो सुनूंगी और वहाँ पे क्या क्या हुआ है, शादी किस तरह से हुई, तो वो आपको इकरा के व्लॉग में कुछ दिनों के बाद देखने को मिल जाएगा। अभी वो थकी हुई आई है, आहिस्ता आहिस्ता ना वो वीडियोस वगैरह एडिट करेगी, तो मुझे भी इंतजार रहेगा उसके व्लॉग देखने का और आप लोग ने भी बिल्कुल मिस नहीं करना। और यहीं पे करूंगी मैं इस वाले व्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा तो आपने करना है लाइक, एक प्यारा सा कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलूंगी एक न्यू ब्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपना आप सबने रखना है बहुत सारा ख्याल। बाय बाय।